श्रीलंका में शनिवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। राष्ट्रपति चुनाव में कुल 35 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पूरे देश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में शनिवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है। करीब 1.6 करोड़ लोग राष्ट्रपति चुनाव के लिए हो रही वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। इसी साल अप्रैल महीने में ईस्टर के मौके पर चर्च और होटलों पर हुए हमले के बाद श्रीलंका में ये पहला बड़ा चुनाव है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पूरे देश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए 60,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की है। इस चुनाव में पहली बार 26 इंच का बैलेट पेपर और बड़े बैलेट बॉक्स का उपयोग हो रहा है। साथ ही इस चुनाव को श्रीलंका के इतिहास का सबसे महंगा चुनाव बताया जा रहा है। राष्ट्रपति चुनाव में 35 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला श्रीलंका पोडुजाना पेरामुना पार्टी के गोताबाया राजापक्षा और यूनाइटेड नेशनल पार्टी के सजित प्रेमदासा के बीच माना जा रहा है। गोटाबाया राजापक्षा देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं, जबकि साजिद प्रेमदासा अभी कैबिनेट मंत्री हैं। इस चुनाव में मुख्य मुद्दे राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, भ्रष्टाचार का खात्मा, अर्थव्यवस्था की मजबूती, गरीबी, विदेश नीति, शिक्षा और महिला और सामाजिक कल्याण है। नए राष्ट्रपति के लिए चुनौतियां काफी ज्यादा होंगी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शाम 5 बजे खत्म होगी और नतीजे रविवार को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।